अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूअर्स? आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ इस गर्मी के मौसम में गर्मी को दूर भगाने के लिए अपनी शिकंजी मसाला रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे दो तरीके से और आप जब इसको पियेंगे तो आपकी गर्मी एकदम छुर हो जाएगी। और आपके घर में अगर कोई भी मेहमान आएगा और आप उसके सामने इसको सर्व करेंगे तो वो आपके पीछे पीछे भागेगा कि आपने ये रेसिपी कैसे रेडी की। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि हमें इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून, हमने इसमें ऐड किया है जिंजर पाउडर, जिसे हम सॉल्ट भी कहते हैं। 2 टेबल स्पून हमने लिया है क्यूमिन सीड्स। 1.5 टेबल स्पून है ब्लैक सॉल्ट। 1.5 टेबल स्पून है ब्लैक पेपर। 1.5 टेबल स्पून हमने लिया है इसमें नमक। अब हम एक पैन लेंगे और पैन गर्म होने पर हम इस पर बिल्कुल लाइट ब्राउन रोस्ट करेंगे क्यूमिन सीड्स को। हमें डार्क ब्राउन रोस्ट नहीं करना है वरना तो हमारे शिकंजी मसाले में से एक जलने की खुशबू आएगी। तो हमें इसे बिल्कुल लाइट ब्राउन रोस्ट करना है और कंटिन्यू इसको चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पर। हमारा क्यूमिन सीड हो चुका है। अब हम रोस्ट करेंगे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर को भी हम मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल हल्का सा रोस्ट करेंगे। ये हमारे हो चुके हैं, इसमें से इसे हम एक जार में निकाल लेते हैं और जो हमारे ड्राई मसाले हैं उनको भी इसी जार में निकाल लेंगे और इनका एक सूखा पेस्ट यानी चूरन टाइप हम इसको ग्राइंड करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे इसका शिकंजी में। देखिए ये हमारा ग्राइंड हो चुका है और ये हमारा चूरन टाइप तैयार है। इसे हम रख लेते हैं एक कांच की बोतल में, जिससे ये हमारा पूरे साल चलेगा। ये कांच की बोतल शहद की है तो मैंने इसको रीयूज़ किया है और इस पर एक नेम स्लिप लगा दी है शिकंजी मसाले के। आपके घर में भी कोई कांच की बोतल अगर रखी हो तो आप उसको वॉश करके इसमें शिकंजी मसाला रख सकते हैं, आपका ये मसाला एक साल तक चलेगा। अब हम ग्लास में ऐड करेंगे आइस क्यूब, जितना ठंडा आप पसंद करते हैं आइस क्यूब भी ले सकते हैं। मैंने दोनों ग्लासेस में मैंने 2-2 आइस क्यूब्स लिए हैं। एक बनाऊंगी मैं सादे पानी से यानी कोल्ड वाटर से और एक बनाऊंगी मैं आपका प्लेन सोडा जो मिलता है मार्केट में, उससे हमारी बनेगी शिकंजी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अपना शिकंजी मसाला जो हमने तैयार किया है। फिर ऐड करेंगे हम थोड़ा सा नींबू का रस, 1/2 टेबल स्पून नींबू का रस, क्योंकि ज़्यादा खट्टा मुझे पसंद नहीं है। इसको मिक्स करेंगे। फिर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून बिल्कुल भरकर शुगर। आप चाहे तो शुगर को मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं जिससे वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। इसमें ऐड करेंगे हम सोडा, 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे शिकंजी मसाला जो हमने रेडी किया है, 1 टेबल स्पून नींबू का रस और इसको मिक्स करेंगे। शुगर हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। ये थोड़ा हमारा सोडा कम लग रहा है इसमें तो हम थोड़ा सा सोडा और इसमें ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा सोडा हम और डाल देंगे और ये तैयार है हमारी 2 तरह की शिकंजी। आप इस गर्मियों के मौसम में इसको पिए और इसका लुत्फ़ उठाइए और सारी शिकंजियों का स्वाद भूल जाइए। और आपके घर में जब भी कोई गेस्ट आए तो आप इसको ज़रूर सर्व करें और उन्हें भी पिलाएं। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ मैं नई वीडियो में आपसे। अल्लाह हाफिज़।